सत श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करदी आं। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाब जीके दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट एम सी क्यू का पार्ट 15। जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे ने, असी उहनां दे लई 1000 एम सी क्यू की सीरीज़ स्टार्ट की आ, जिस विच असी पंजाब जीके दे नाल रिलेटिड सारे ही टॉपिक कवर करन वाले आ। जेकर तुसी पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो असी इस 1000 एम सी क्यू की सीरीज़ के विच तुहाडे सारे ही टॉपिक कवर करन वाले हैं, वह भी इंपोर्टेंट एम सी क्यू के नाल लैके आई हाँ मैं तुहाडे लई ये सारे ही पार्ट्स। तो पहले 14 पार्ट्स के विच असी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिन्हां दे नाम मैं तुहानू दस दिनी हाँ। पंजाब दे बारे रिलेटिड जो मुढ़ली जानकारी आ, जिहदे बारे तुहानू पता होना चाहिए, ये असी पार्ट 1 दे विच कीती सी। फिर पार्ट 2, 3 ते 4 दे विच असी पंजाब दी हिस्ट्री कीती आ। उस तो बाद पंजाब दी ज्योग्राफी कीती आ असी 201 तो लैके 300 तक, ठीक है। फिर पंजाब दी आर्थिकता कीती आ 301 तो लैके 400 तक, ते 401 तो 500 तक दे एम सी क्यू सिख धर्म दे नाल रिलेटिड आ। 501 तो लैके 600 तक दे एम सी क्यू पंजाबी भाषा ते साहित्य दे नाल रिलेटिड आ। 601 तो लैके 670 तक एम सी क्यू असी पंजाब दी लोकधारा ते सभ्याचार दे नाल रिलेटिड किए आ। ते अज दी इस वीडियो दे विच असी पंजाब दी ताज़ा जानकारी अते फुटकल दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट एम सी क्यू करन जा रहे हैं। इस तो इलावा पहले पार्ट्स आपां पूरी डिटेल दे विच किए हुए आ, जिहड़े स्टूडेंट्स ने उह किए आ उन्हां नूं ही अज दे पार्ट समझ आउणगे, क्योंकि अज दे पॉइंट्स दे विच असी 2 द पॉइंट ही गल करन जा रहे हैं, क्योंकि असी ताज़ा जानकारी दे नाल रिलेटिड कुछ गल्लां करन जा रहे हैं। जिथे भी कोई इंपोर्टेंट फैक्ट बनता होया मैं तुहानूं जरूर दसांगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहवागी कि पहले पार्ट जरूर कवर करो, फिर ही तुहानू ये पार्ट समझ आउणगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आ साडा अज दी इस वीडियो दा, पंजाब विच कुल किन्ने आर्ट्स, कमर्स, होम साइंस ते साइंस कॉलेज हन? हाँ जी, पंजाब दे विच टोटल 234 आर्ट्स, कमर्स, होम साइंस अते साइंस कॉलेज आ। ऑप्शन नंबर सइज आ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच कुल किन्ने हाई ते सीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हन? हाँ जी, पंजाब दे विच कुल हाई ते सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ 5146। ऑप्शन नंबर उड़ा इज आ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच कुल किन्ने मिडल स्कूल हन? हाँ जी, पंजाब दे विच मिडल स्कूल किन्ने आ? 2670। ऑप्शन नंबर आड़ा इज आ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच कुल किन्ने प्राइमरी स्कूल हन? हाँ जी, पंजाब दे विच टोटल प्राइमरी स्कूल किन्ने आ? 12958। ऑप्शन नंबर ई डी इज आ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां नूं मेल करो। हाँ जी, इन्हां नूं असी मैच करना वा, यानी कि पंजाब दे विच टोटल हॉस्पिटल देखिए जेकर असी सिविल हॉस्पिटल, ठीक है, तो वह किन्ने ने? सिविल हॉस्पिटल आ 219, उस तो बाद डिस्पेंसरियां किन्नियां ने? 1453। पब्लिक हेल्थ सेंटर किन्ने ने? 441। होम्योपैथिक संस्थावां किन्नियां ने? 107। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर उड़ा इसका राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, अगे भी सेम इस तरह तुसी मैच करने हैं। तुहानू पूछा गया है कि कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर किन्ने आ, पहला असी पब्लिक हैल्थ सेंटर की गल की सी जेडे कि 441 सन, तो हुण कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर किन्ने आ? कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर आ 129। तो इस तो इलावा पशु हस्पताल किन्ने आ? हाँ जी, पशु हस्पताल किन्ने आ? 1367, ठीक है। तो उस तो इलावा आयुर्वेदिक ते यूनानी संस्थावां किन्नियां ने? 529, ठीक है। इहदा आंसर बन रहा 213। ऑप्शन आड़ा पिया वा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, होनहार विद्यार्थियों नूं डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम राही स्कॉलरशिप देन वाला पंजाब भारत का किन्नवा सूबा बनिया? हाँ जी, होनहार विद्यार्थियों नूं डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम राही स्कॉलरशिप देन वाला भारत पंजाब आ जिहड़ा ये भारत का पहला सूबा बनिया सी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, डॉक्टर हरबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम कदों शुरू की गई? डॉक्टर हरबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम
8 नवंबर 2013 नूं शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब सरकार का महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार किस खेत्र लई है? हाँ जी, पंजाब सरकार का महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार खेडां दे विच दित्ता जांदा है। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब का सब तो वध शहरीकरण वाला जिला केड़ा है? पंजाब का सब तो वध शहरीकरण करन वाला जिला है लुधियाना। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब का सब तो घट शहरीकरण वाला जिला केड़ा है? सब तो घट शहरीकरण वाला जिला है तरन तारण। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, पंजाबी भारत के किहड़े सूबे की दूजी सरकारी भाषा है? हाँ जी, पंजाबी भारत के किहड़े सूबे की सरकारी भाषा वा दूजे सूबे की, जेकर असी गल करिए दूजी सरकारी भाषा, सॉरी, एक केड़ा सू केड़े केड़े सूबे है जिन्हां दे विच दूजी सरकारी भाषा पंजाबी रखी गई है? हरियाणा ते दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पछमी बंगाल। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त सारिया विच ही पंजाबी भाषा वा जिहड़ी है दूजी सरकारी भाषा वा। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी इंग्लैंड की डैश भाषा है? हाँ जी, सब तो वध बोले जाण वाले पक्षों पंजाबी इंग्लैंड की दूजी भाषा है। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी कैनेडा की किनवीं भाषा है? सब तो वध बोले जाण वाले पक्षों पंजाबी कैनेडा की चौथी भाषा है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी एशिया की किनवीं भाषा है? हाँ जी, सब तो वध बोले जाण वाले पक्षों जेकर असी एशिया की गल करिए तां पंजाबी एशिया की चौथी भाषा है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। कैनेडा की भी चौथी आ ते एशिया की भी चौथी आ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी विश्व की किनवीं भाषा है? सब तो वध बोले जाण पक्षों पंजाबी विश्व की पूरे वर्ल्ड की दसवीं भाषा है। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो वध पंजाबी कित्थे बोली जाती है? बुलारियां की गिनती पक्षों पूछ रहे हैं। बुलारियां की गिनती पक्षों जेकर असी देखिए सब तो वध पंजाबी पाकिस्तानी पंजाब दे विच बोली जाती है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस समेत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजा की कुल गिनती किन्नी है? हाँ जी, चीफ जस्टिस समेत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजा की कुल गिनती 47 आ। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, मई 2013 विच लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी फगवाड़ा ने अपनी तीसरी सालाना कन्वोकेशन मौके भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हत्थों जनाब हामिद करजई नू ऑनरेरी डायरैक्टरेट की डिग्री प्रदान की। जनाब करजई किस देश दे राष्ट्रपति हन? हाँ जी, जनाब करजई ए अफगानिस्तान दे राष्ट्रपति आ। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। तो जनाब करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आ, तो इन्हों ही मई 2013 लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी फगवाड़ा ने अपनी तीसरी सालाना कन्वोकेशन मौके भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हत्थों जनाब हामिद करजई नू ऑनरेरी डायरैक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई सी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, बलवीर सिंह सीनियर हाकी फाउंडेशन किस स्थान उत्ते बनाई गई है? हाँ जी, बलवीर सिंह सीनियर हाकी फाउंडेशन मोहाली विच बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, मई 2013 विच हुई चोणां विच प्रधानमंत्री नवाब शरीफ की प्रधानगी हेठ पाकिस्तानी पंजाब विच पहले सिख विधायक बने सन? हाँ जी, मई 2013 विच होईयां चोणां विच प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्रधानगी हेठ पाकिस्तानी पंजाब विच पहले सिख विधायक रमेश सिंह अरोड़ा बने। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, सरदार सवर्ण सिंह नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियूनेबल एनर्जी वडाला कला विखे स्थित आ, जो कि डैश जिले के पैंदी आ, कपूरथला दे विच पैंदी आ। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब
पंजाब बिजली कारपोरेशन वालों 1320 मेगावाट बिजली पैदावार समर्था वाला एक थर्मल प्लांट हुशियारपुर जिले विचों मुकेरिया कस्बे के पिंड हाजीपुर विच लगाया जा रहा है। इसका पहला यूनिट कदों तक चालू करन दा टीचा मिथ्या गया सी 2018 तक। ऑप्शन नंबर सत्ता इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, गदर पार्टी किस संगठन तो बनी सी? हाँ जी, गदर पार्टी पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसीएशन तो बनी सी। ऑप्शन नंबर उड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सिंह सभा लहर कदों शुरू हुई सी? हाँ जी, सिंह सभा लहर कदों शुरू हुई सी? 1 अक्तूबर 1873। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर का दूसरा नाम की है? हाँ जी, राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर का दूसरा नाम आ गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कित्थे स्थित है? नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला दे विच स्थित आ। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब का पहला अकाली मुख्यमंत्री कौन सी? हाँ जी, पंजाब के पहले अकाली मुख्यमंत्री सन जस्टिस गुरनाम सिंह। ऑप्शन नंबर सत्ता इज द राइट आंसर। भाई कन्हैया ने किस युद्ध में सिखा दे मुगलों दोवों नू पानी पिआउण दी सेवा निभाई सी? हाँ जी, भाई कन्हैया जी ने किहड़े युद्ध दे विच सिखा दे मुगलों दोवों नू पानी पिआउण दी सेवा निभाई सी? आनंदपुर साहिब दे युद्ध दे विच। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, 1991 की जनगणना मुताबिक उदों पंजाब विच किन्नियां डिविजनां सन? हुण तां पंज ने, जदों 1991 की जनगणना हुई सी उस समय पंजाब दीआं डिविजनां किन्नियां सी? 3। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन असीं करदे हां, 2001 की जनगणना मुताबिक उदों पंजाब विच किन्नियां डिविजनां सन? हाँ जी, 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच 4 डिविजन बन गई सी। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। देखो, जनगणना हरेक 10 साल बाद होंदी आ, ते पहली बार जनगणना कदों हुई सी ये भी तुहानू पता होना चाहिए। पहली समकालीन जनगणना 1881 दे विच लॉर्ड रिपिन द्वारा करवाई गई सी, ठीक है। उस तो बाद 15वीं जनगणना 2011 दे विच हुई सी, ते इसका नारा सीगा साडी जनगणना साडा भविख है, ठीक है। इस गल का तुसी ध्यान रखना। तो 2001 के मुताबिक पंजाब दीआं डिविजनां सन 4, तो 1991 के मुताबिक 3 सन। हाँ जी, अगे 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्नियां डिविजनां सन? 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच टोटल 4 डिविजनां सन। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, तो हुण किन्नियां ने? 5 आ। हुण इस गल का ध्यान रखना, 1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच जिले किन्ने सन? हाँ जी, 1991 की जनगणना मुताबिक जे असी देखिए तां पंजाब दे विच किन्ने जिले सन? हुण 23 आ, उस टाइम सीगे 12। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे किन्ने जिले सन? 2001 दे विच, देखो 1991 दे विच 12 जिले हो गए, 2001 दे विच 17 जिले से। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब के किन्ने जिले सन? तो 2011 के विच किन्ने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सत्ता इज़ द राइट आंसर। जनगणना हरेक 10 साल बाद होंदी आ। 1991 के विच 12 जिले से, तो 2001 के विच 17 हो गए, 2011 के विच 20 हो गए। हाँ जी, नैक्सट, 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब दीआं किन्नियां तहसीलां हन? हाँ जी, 2001 की जनगणना जेकर मुताबिक देखिए तां पंजाब दीआं तहसीलां ने 72। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। 1991 दे अकॉर्डिंग पंजाब दीआं किन्नियां तहसीलां ने? 1991 दे अकॉर्डिंग पंजाब दीआं तहसीलां सीगियां 46, तो 2001 दे अकॉर्डिंग बन गईआं 72, तो उस तो बाद अगे असी देखते हैं 2011 दे नाल रिलेटिड। हाँ जी, 1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब दीआं किन्नियां तहसीलां सन? मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी हाँ, 46। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब दीआं किन्नियां तहसीलां हन? हाँ जी, हुण 87 आ, ते 2011 दे अकॉर्डिंग किन्नियां ने? 77। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन,
1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने कस्बे हन? हाँ जी 1991 की जनगणना मुताबिक देखिए तो पंजाब दे विच कस्बे सी 168 आ ते 1991 दे अकॉर्डिंग किन्ने सी 120। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने कस्बे सन? 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच कस्बे सन 157। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच किन्ने कस्बे सन? हाँ जी 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच कस्बे आ 157 ही सीगे। ठीक है 2011 विच भी ते 2001 दे विच भी। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने डिवेलपमेंट ब्लाक सन? 1991 की जनगणना दे अकॉर्डिंग पंजाब दे विच डिवेलपमेंट ब्लाक सन 112। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। ते 2001 दे अकॉर्डिंग सन 139 ते 2011 दे अकॉर्डिंग किन्ने आ 145। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच डिवेलपमेंट ब्लाक सन। हाँ जी मैं ऑलरेडी तुहानू दस चुकी हाँ 2001 दे विच पंजाब दे विच डिवेलपमेंट ब्लाक 139 सन। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने किन्ने डिवेलपमेंट्स ब्लाक सन? हाँ जी मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ 145। ऑप्शन नंबर सस्ता इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने पिंड सन? हाँ जी 1991 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच टोटल 12,775 पिंड सन। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। ते 2001 दे अकॉर्डिंग 12,673 सन ते 2011 दे अकॉर्डिंग 12,581 सन ते हुण किन्ने आ? हाँ जी ये तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे। नैक्सट क्वेश्चन 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने पिंड सन? मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ 2001 की जनगणना मुताबिक पंजाब दे विच टोटल पिंड सन 12,673। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने पिंड सन? जदों मैं तुहानू 1991 वाला करवाउनी आ नाल ही दस दिंदी हां तां जो तुहानू रिवाइज़ भी हो जाए ते तुहानू फर्क दा पता लग सके। ठीक है 2011 की जनगणना मुताबिक पंजाब विच किन्ने पिंड सन? 12,581। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। हाँ जी 1831 ईस्वी विच वालाकोट की लड़ाई केड़ियां फौजां दे विचकार लड़ी गई सी? 1831 ईस्वी विच वालाकोट की लड़ाई महाराजा रणजीत सिंह जी और शहाद अहमद दे विचकार हुई सी। ऑप्शन नंबर सस्ता इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जुलाई 2013 विच दरबार साहिब श्री अमृतसर विखे बरेल लिपि विच लिपि अंतर किए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ किया गया ते लिपि अंतर किस नेत्रहीन गुरसिख विद्वान ने किया सी? भाई गुरमेज सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन पंजाब विच प्रति जी सालाना आमदन किन्नी है? हाँ जी पंजाब विच प्रति जी सालाना आमदन 28,605 है। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन लॉर्ड हंटर की प्रधानगी हेठ बॉम्बे दिल्ली अते पंजाब विच होए दंगियां दे कारणां दी छानबीन कारण अते उहनां नूं नजिठण लई कई कदमां संबंधी डिसऑर्डर्ड इक्वायरी कमेटी का गठन किया गया ते हेठ लिखियां विच्चों केड़ा उस कमेटी का मैंबर नहीं सी? हाँ जी इन्हां दे विच्चों उस कमेटी के मैंबर नहीं सन सुल्तान शमशेर बैग। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन 1831 विच बालाकोट की लड़ाई केड़ियां फौजां विचकार लड़ी गई सी? हाँ जी 1831 विच बालाकोट की लड़ाई महाराजा रणजीत सिंह जी ते शहाद अहमद बरेलवी दे विचकार लड़ी गई सी। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जुलाई 2013 विच दरबार साहिब श्री अमृतसर विखे
ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀਯੰਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਪੀਯੰਤਰ ਕਿਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 28,605 ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੋਂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਸਓਰਡਰਡ ਇਕੁਐਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੈਗ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 4, ED। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.44°C ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 43.33°C ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, 15 ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 99ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ? 15 ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 16.6% ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 16.6% ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ 31.9% ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 8.6% ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 8.6% ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ 0% ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬਸਦੀ ਹੈ? 75.7%। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 31% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 31% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 33.9% ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ? 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.44 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਦਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੈਦਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ?
हाँ जी, शहीद भगत सिंह नगर ज़िले का पहला नाम नवांशहर सी। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब की किन्ने प्रतिशत आबादी पिंडां विच रहिंदी है? हाँ जी, पंजाब की 62.51% आबादी पिंडां दे विच रहिंदी है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच दूजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बर्लटन पार्क विच डैश ज़िले विच बनिया हुआ है? हाँ जी, पार्क दे विच दूजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बर्लटन पार्क ये पंजाब दे जलंधर ज़िले दे विच बनिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस जिले की हद किसी भी गुआंढी राज नाल नहीं लगती? हाँ जी, किहड़ा ज़िला वा इन्हां दे विचों जिन्हां दी हद किसी भी राज दे नाल नहीं लगती? तरन तारण, अमृतसर, फिरोजपुर, सारियां दी ही हद गुआंढी राजां दे नाल नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ियां जोड़ियां सही हन? हाँ जी, एक पासे जंगली जीव यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखिया, दूजे पासे स्थान लिखिया वा, तो उन्होंने पूछा केड़ियां सही नहीं गियां, तो सही नहीं गियां केड़ियां ने? तुसी देख सकते हो इन्हां दे विचों जो सब तो पहला असी गल करिए जिंजर बजोली दी, ताई रूपनगर दे विच आ, बिल्कुल ठीक आ। कठलोर कुशलिया संगरूर दे विच नहीं गी। बी डैशवा हुशियारपुर दे विच नहीं गी। वीर दोसांझ पटियाला दे विच आ, ठीक है। तो इहदे विचों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आड़ा 2 ते 3। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब दा केड़ा मुख मंत्री है जो 1957 विच पहली बार विधानसभा विच चुनिया गया सी? हाँ जी, 1957 विच पहली बार विधानसभा दे विच पंजाब दे मुख मंत्री चुने गए सन प्रकाश सिंह बादल। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब दे किस मुख मंत्री ने मुरारजी दोसाई दी केंद्र सरकार विच खेतीबाड़ी ते संजाई विभाग दे जूनियर मंत्री दा आउंदा संभालिया सी? हाँ जी, पंजाब दे केड़े मुख मंत्री है जिन्हां ने मुरारजी दोसाई दी केंद्रीय सरकार विच खेतीबाड़ी ते संजाई विभाग दे जूनियर मंत्री दा आउंदा संभालिया? प्रकाश सिंह बादल ने। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारत दे गणतंत्र बनन तों बाद पंजाब दी हाई कोर्ट कित्थे स्थित सी? हाँ जी, भारत दे गणतंत्र बनन तों बाद पंजाब दी हाई कोर्ट कित्थे स्थित सी? शिमला दे विच। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पैप्सू राज दी हाई कोर्ट कित्थे स्थित सी? हाँ जी, पैप्सू राज दी हाई कोर्ट पटियाला दे विच स्थित सी, ते पटियाला ही पैप्सू दी राजधानी सी। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ, ते कल दी वीडियो दे विच असी करांगे पार्ट 16। तो अज की यह वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।